अफसोस है मेरे सुल्तान, आज भी हिरम ने किसी से रब्ता नहीं किया। तो क्या उसके कमरे में भी कोई नहीं गया? नहीं सुल्ताने मुअज्जम, पिछले दो दिन में वो सिर्फ तीन बार कमरे से बाहर आया। जाता कहाँ है? सड़क पर चहलकदमी करता है, फिर तस्वीर की दुकान के शीशे को देखता रहता है और चला जाता है। हैरत अंगेज बात है, जो लोग अखबारात के जरिए तनकीद कर रहे हैं वो उसे इस्तांबुल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो सारा दिन क्या करता है बताओ मुझे। सुल्तानी मौसम, हमारे आदमी उसे कमरे में खाना पहुंचाते हैं, खाना खाने के बाद वो कमरे से बाहर निकलता है, सराय से बाहर आकर बाएं मुड़ता है, फिर तस्वीर की दुकान की तरफ जाता है। अंग्रेजी टोपी और लंबा कोट पहना हुआ होता है, कोट के बाजू घिसे हुए हैं। एक ही पत्थर को दो बार ठोकर मारता है। अगर भिखारी उससे पैसा भी मांगे तो वो मुड़कर भी नहीं देखता, बस उस दुकान के पास आकर शीशे में देखता रहता है, फिर वापस सराय चला जाता है और बस। उस दुकान में जरूर कोई खास बात है जलाल, क्या वजह है कि वो एक ही दुकान में मौजूद तस्वीर को बार बार देख रहा है? मुझे दीगर तफसीलात भी बताओ। मेरे सुल्तान, सबसे पहले तो वो खिड़की में झांकता है, फिर कुछ कदम पीछे हटता है, इसके बाद फासले से झांकता है और फिर दाएं तरफ की तस्वीर देखता है और चला जाता है। हाथ से कोई इशारा या कोई हरकत भी करता है? कभी कभार वो खिड़की को छूता है, मैंने खिड़की देखी मगर कोई निशान वगैरह नहीं मिला मुझे। और पांव से कुछ करता है क्या? सुल्तान कुछ ऐसे हिलता है जैसे कि नाच रहा हो, कुछ बेतरतीब से कदम रखता है। किताब दो मुझे। सिपाही संगीन निकाल कर दो। जलाल तुम इस संगीन से नक्शा बनाओ, यहां पे उस जगह जमीन पर पत्थर कितने बड़े हैं। तकरीबन इतने बड़े सुल्ताने मौसम। उसके कदमों की हरकत याद है तुम्हें? जी याद है मुझे। करके दिखाओ मुझे। एक बार फिर करो। सुल्तानी मौसम, वो एक कदम आगे आया, फिर इस तरह तीन मर्तबा अपनी एड़ी को जमीन पे मारा और फिर वो दो पत्थर पीछे चला गया और फिर एक दो तीन चार, दोबारा आगे आया, एक दो, इसके बाद दरमियान में आया, एक, और फिर इस तरफ आ गया, एक दो, फिर दरमियान में आया और बस। बादशाह, पाशा, आज शाम 8 बजे मुझे यहां से निकालो। आज शाम 8 बजे हम हिरम से मिलने जाएंगे। जो आप कहें पाशा। पाशा, जलाल, तमाम वज़रा को आज रात इशाइये पर बुलाओ। जो इशाइये पर नहीं आएगा गद्दार होगा।